चलो ध्यान दें यहाँ पर ए ऑफ का प्रयोग वाला में जो अगला सेंटेंस ये पांच को देखने वाले हैं, फिर क्या करेंगे आगे फिर पांच देखेंगे। सुनो पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि द बुक ऑफ राम इज वेरी गुड, समझ गया, द बुक ऑफ राम इज वेरी गुड। सुनिए द मतलब कुछ नहीं देंगे, बुक मतलब हो जाएगा किताब, आप मतलब क्या हो जाएगा की देंगे, काय की किताब क्या स्त्रीलिंग है, ऑफ के पहले जो शब्द होता है उसके अनुसार लगाते हैं, अगर स्त्रीलिंग है तो की देंगे, अगर पुल्लिंग है तो का देंगे, अगर बड़े आदमी है तो के देंगे, ठीक है। कि राम मतलब राम, इज मतलब है, वेरी मतलब क्या हो जाएगा बहुत, और गुड मतलब अच्छा नहीं अच्छी, ताकि किताब ने स्त्रीलिंग ना रे तो अच्छी ना देंगे क्या हो जाएगा। सुनिए आपका हिंदी उल्टा करते हैं ना रे, जैसे देखो आपके बाद में जो रहता है उसका हिंदी पहले देते हैं, चलो ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो आपके बाद जो शब्द रहेगा उसका हिंदी क्या करेंगे पहले करेंगे, अरे सत्यम कहा देना तो क्या हो जाएगा राम की किताब हो जाएगा ना, राम की किताब बहुत अच्छी है, ऐसे बोलेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे नीचे राम की किताब बहुत अच्छी है, ठीक। चलिए आगे है हमारा द डॉग ऑफ राजू इज नॉट फेथफुल, देखिए दाम मतलब कुछ नहीं होगा, देखिए दाम मतलब कुछ अर्थ नहीं होता है, सिर्फ वो किसी खास चीज को बताने के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। डॉग मतलब क्या हो जाएगा कुत्ता, चलिए ऑफ मतलब क्या हो जाएगा का, ऑफ मतलब क्या हो जाएगा क्योंकि कुत्ता क्या होता है पुल्लिंग होता है ना रे नहीं होता है, और राजू मतलब राजू, इज मतलब नोट मतलब फेथफुल मतलब वफादार, क्या हो जाएगा राजू का कुत्ता वफादार नहीं है, ये नहीं बारे यहाँ पर हो जाएगा राजू का कुत्ता वफादार नहीं है, समझ गया राजू का कुत्ता वफादार। चलिए अगला क्वेश्चन है, समझ आ रहा मिल रहा है सबका, अगला है द सिस्टर ऑफ राकेश इज नॉट लेबोरियस, ये ना है, देखिए दा मतलब कुछ नहीं होगा, सिस्टर मतलब क्या हो जाएगा बहन, आप मतलब क्या देंगे कि राकेश मतलब राकेश यानी राकेश की बहन, राकेश की इज मतलब है, नॉट मतलब नहीं, लेबोरियस मतलब मेहनती, ठीक क्या हो जाएगा राकेश की बहन मेहनती नहीं है, यानी बारे राकेश की बहन मेहनती नहीं है, राकेश की बहन मेहनती नहीं है। सुनिए अगला है, ए तू सोने बनाई है, क्यों ने बनाई है, नानी कर गई थी कि मौसी कर गई थी, अच्छा नानी नाना अभी तुरा बताते हैं, रुको अच्छा झापर मारेंगे घुमा देंगे, उसी दिन तुम आई थी बोल नहीं आई थी, जिस दिन तुम बोले कि नानी आ गई थे उसी दिन दिए थे ये, अभी तुरा फाड़ेंगे रुक जाओ, ध्यान जहाँ पे क्या है द बैट ऑफ मोहन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, है ना रे, ठीक है दा मतलब कुछ नहीं होगा, बैट मतलब क्या हो जाएगा बल्ला, बैट मतलब ऑफ मतलब क्या हो जाएगा, ताकि बल्ला क्या है पुल्लिंग है ना रे, मोहन मतलब इज मतलब है, वेरी मतलब स्ट्रॉन्ग मतलब, तो क्या हो जाएगा बताना, तो मोहन का बल्ला बहुत मजबूत है, ये ना हो जाएगा, चलिए यहाँ पे नीचे हम लिख देंगे मोहन का बहुत मजबूत, समझ आ रहा है मोहन का बल्ला बहुत मजबूत है, चलिए
अगला है, समझ मारे सबको? अगला है द हॉर्स ऑफ माही इज नॉट स्ट्रॉन्ग, है ना। देखिए हॉर्स मतलब क्या होता है? कुछ नहीं, हॉर्स मतलब कुछ नहीं होता है, काट के रख देंगे मोटी तरह। सुनिए हॉर्स मतलब क्या होता है? घोड़ा। ऑफ मतलब क्या होता है? अरे का देने, अब घोड़ा स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? पुल्लिंग है तो क्या होगा? का। हाँ घोड़ा स्त्रीलिंग है, वाह 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 वाह। तो माही मतलब क्या हो जाएगा? इज मतलब, नोट मतलब, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, क्या हो जाएगा? सुनिए माही का घोड़ा मजबूत नहीं है, ठीक। तो क्या हो जाएगा? माही का घोड़ा मजबूत नहीं है। नीचे हम लिख देंगे माही का घोड़ा मजबूत नहीं है, ठीक। और है ना, चलिए पांच क्वेश्चन ये है, आप इसको करते हैं, ध्यान दीजिए। क्या है कि द कैट ऑफ लालटून इज वेरी एक्टिव। सुनिए दा मतलब कुछ नहीं होगा, कैट मतलब बैल होता है ना रे, अच्छा कैट मतलब बिल्ली होता है, मतलब बैल होता है। चलिए ऑफ मतलब क्या देंगे? का देंगे, की देंगे। कैट मतलब तो स्त्रीलिंग है ना रे, तो की देंगे ना। लालटून मतलब क्या होता है? लालटून। इज मतलब, वेरी मतलब, एक्टिव मतलब क्या होता है? फुर्तीला की फुर्तीली, फुर्तीली। ठीक, क्या हो गया? फुर्तीली, ठीक। तो क्या हो जाएगा? लालटून की बिल्ली बहुत फुर्तीली है, ऐसा होगा? तुमने बनाया मनीष रे, अभी तुरंत आ देते हैं, तुरंत आना देते हैं। लालटून की बिल्ली बहुत फुर्तीली, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, द का ऑफ सीला इज नॉट ब्यूटीफुल, यही ना। देखिए दा मतलब कुछ नहीं होगा, का मतलब क्या हो जाएगा? गाय। ऑफ मतलब क्या हो जाएगा? की। सीला का सीला, समय इज मतलब है, नॉट मतलब नहीं, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, समझ में आया क्या? तो क्या हो जाएगा? सीला की गाय सुंदर नहीं है, सिंपल है, बहुत सिंपल, समझ में आया क्या? क्या हो जाएगा? सीला की गाय, कौन का दिया रे? सुंदर नहीं है। देखो यहाँ पे की होगा ना रे, कहे की गाय। देखो ऑफ के पहले क्या है शब्द है? गाय है ना रे, काओ। तो काओ क्या है? स्त्रीलिंग ना रे, तो ऑफ के पहले जो शब्द रहता है उसके अनुसार या का या की देते हैं, समझा। आगे द बॉल ऑफ सोनाली इज वेरी स्मॉल, ये ना रे। देखिए द मतलब कुछ नहीं होगा, बॉल मतलब क्या हो जाएगा? गेंद। ऑफ मतलब क्या हो जाएगा? का। सोनाली का गेंद, सोनाली की गेंद नहीं, सोनाली का गेंद। गेंद क्या होता है? पुल्लिंग होता है, समझा। सोनाली का सोनाली, इज मतलब है, वेरी मतलब बहुत, स्मॉल मतलब छोटा, समझ गया क्या उसका? सोनाली का गेंद बहुत छोटा है, ठीक है। सोनाली का गेंद सुनवा गया सबको। चलिए आगे द टीचर ऑफ सोनी इज वेरी क्रूल, क्या है? द टीचर ऑफ सोनी इज वेरी क्रूल। देखिए दा मतलब कुछ नहीं होगा, टीचर मतलब क्या हो जाएगा? शिक्षक। आप मतलब क्या हो जाएगा? के। काहे कि शिक्षक क्या है? बड़े आदमी है ना रे, उनको थोड़ा क्या करना, आदर करना नहीं करना है। सुनिए शिक्षक आप मतलब के, सोहानी का सोहानी, इज मतलब क्या देंगे? है देंगे, काहे कि शिक्षक ना है रे, बताए थे ना बड़े आदमी रहेगा तो इज का है का नहीं, है देंगे, और आपका क्या देंगे? के देंगे।
चलिए वेरी मतलब क्या हो जाएगा, बहुत। क्रूल मतलब, क्रूल मतलब निर्दयी। क्रूल मतलब क्या होता है, निर्दयी मतलब पता है क्या होता है, जो कि बिना, जो कि खूब पीटे एकदम लतिया लतिया के पीटे। समझ में आया क्या, हम पीटते कि नहीं लतिया लतिया के द्वारा, लतिया लतिया के पीटते हैं, पीटते हैं कि नहीं लतिया लतिया के, कहता हाँ नहीं दिल दिल में हो भातों में हो। तो निर्दयी मतलब जिसके पास दया नहीं है, जिसके पास एकदम दे थप्पड़ मुँह कान से खून और गिरा दिया पकड़ करके, समझ गया। तो ऐसी बात नहीं है, ठीक है, ऐसे सिर्फ सेंटेंस के लिए दे दिए। क्या होगा, सोहानी के शिक्षक बहुत निर्दयी हैं। आइए ना अरे यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोहानी के शिक्षक क्या हुआ, हम ही हैं। चलिए अच्छा, बहुत नहीं दिए तो लीजिए बहुत दे देते हैं, ठीक है। सोहानी के शिक्षक बहुत निर्दयी हैं, सुनमाया। आगे द बैग ऑफ सीता इज वेरी बिग। देखिए बैग मतलब क्या होता है, थैला। दा मतलब कुछ नहीं, बैग मतलब हो जाएगा थैला। ऑफ मतलब का, ताकि बैग की का, समझ गया। सीता मतलब इज मतलब वेरी मतलब बिग मतलब बड़ा। क्या हो जाएगा, सीता का थैला बहुत बड़ा है। कोई दिक्कत नहीं, सीता का थैला बहुत बड़ा है। चलिए फटाफट उतार लीजिए जो नहीं बनाए थे। हाँ चले ध्यान दीजिए, यहाँ पे कुछ है, कुछ जो है और क्या कहते हैं, शब्द पहले सीखते हैं वर्ड और उसके बाद इसमें प्रयोग करते हैं। पी ए जी, पेज, पेज मतलब क्या होता है, पढ़ना होता है ना। उसके बाद एक और होता है, देखिए एन ए टी यू आर ई, इसे पढ़ते हैं नेचर। क्या पढ़ते हैं, एन ए टी यू आर, एन ए टी यू आर ई, नेचर। नेचर मतलब होता है स्वभाव, नेचर मतलब क्या होता है, समझ गया। उसके बाद जैसे यहाँ पे एम ए एस टी ई आर, मास्टर, एम ई एस टी ई आर, मास्टर। ये क्या है, मास्टर मीन्स क्या होता है, नहीं मास्टर मतलब होता है मालिक। क्या होता है, समझ गया, मास्टर मतलब क्या होता है, मालिक। कोई दिक्कत है, चलिए जैसे यहाँ पे है एन ई सी के, नेक, नेक मतलब होता है गर्दन। एन ई सी के, नेक मतलब क्या होता है, गर्दन, समझ में आया। और उसके बाद सी ए एम ई एल, कैमल, कैमल मतलब होता है ऊंट। कैमल मतलब क्या होता है, ऊंट, समझ गया। तो इतने शब्द अभी पढ़े हैं, इस पे क्या करेंगे, कुछ अभी सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। जैसे मेरे पास पहला है, और एक और चीज़ जब बताते हैं, एन ओ टी ई, नोट, बी डबल ओ के, बुक। नोटबुक मतलब क्या होता है, पुस्तकालय होता है रे। कॉपी होता है, क्या होता है, कॉपी, जिसमें हम लोग लिखते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं। तो नोटबुक मतलब क्या होता है, कॉपी, ठीक। जैसे पहला है हमारे पास द पेज ऑफ, द पेज ऑफ द नोटबुक इज नॉट वाइट, नॉट वाइट, समझ में आया क्या, क्या लिखे, द पेज ऑफ द नोटबुक इज नॉट वाइट, नॉट वाइट, ठीक है। देखिए द मतलब कुछ नहीं होगा, पेज मतलब क्या होगा, पन्ना, ऑफ मतलब क्या होगा, का, ऑफ मतलब क्या होगा, का, द मतलब कुछ नहीं, नोट मतलब कॉपी, नोट मतलब क्या होगा, नोटबुक मतलब, अरे नहीं समझ में आया ये, नोट मतलब कॉपी, इज मतलब है, नोट मतलब नहीं, और वाइट मतलब उजला, ठीक है। क्या हो जाएगा कि कॉपी का पन्ना, समझ में आया, ये नहीं होगा रे, कॉपी का पन्ना उजला नहीं है। यहाँ पे नीचे में लिख देंगे, कॉपी का पन्ना उजला नहीं है। कोई दिक्कत, इस तरह से बन जाएगा ना। चलिए इसी तरह बनाइए आप लोग, हाँ बिल्कुल उतार करके।
एल ओ एन जी लॉन्ग मतलब क्या होता है? हाँ ठीक। चलिए बनाइए ये दोनों क्वेश्चन फटाफट। अरे हो गया, बन गया। चलिए बताते हैं, ध्यान दो यहाँ पर। ए तुमने बनाया? अरे हाँ, मार गया। जहाँ पर खाने वक्त दो दो तीन तीन फूला फटाफट खा जाएगा, और बनाने वक्त तो धीरे धीरे बना रहा है। क्या फूला खाता है रे तुम? क्या फूला खाता है? दो फूला खाता है? हाँ झूठ बोलेगा? और सुने तो और मुरेन होने वाला है रे। हाँ पक्का कन्ने रे? 24 को तो। कहाँ में? बाबा धाम में। 24 को तो है, तो नहीं जाना चाहिए। चल ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या लिखे हुए? द नेक ऑफ द कैमल इज वेरी लॉन्ग। ये ना देखिए, द मतलब कुछ नहीं होगा, नेक मतलब क्या हो जाता है? सब नेक है तो नोट समझ रहा। मारेंगे मुंह झापर के, मुंह घुमा देंगे। गर्दन नेक मतलब क्या होता है? ऑफ मतलब का। दा मतलब कुछ नहीं। कैमल मतलब ऊंट। चलिए ऊंट का गर्दन इज मतलब वेरी मतलब लॉन्ग मतलब। चलिए क्या हो जाएगा? ऊंट का गर्दन समझ गया, यहाँ पे लिखेंगे ऊंट का गर्दन बहुत लंबा। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन है। ए लड़की कहाँ ध्यान है? समझ आ रहा है? अगला क्वेश्चन है, द मास्टर ऑफ द कार इज देयर। द मास्टर ऑफ द कार इज, देखिए द मतलब मास्टर मतलब मालिक। रनी मास्टर मतलब क्या होता है? आप मतलब का अच्छा लग रहा है, समझ में आया? के लगाने की जरूरत नहीं है उसको, उनको मालिक है तो क्या हुआ? हमर मालिक थोड़ी है जो इज्जत करेंगे, हमर मालिक नहीं है रे। चलो कार का ना मालिक है। अब मान लो ये एकर मालिक हमें, तो अब हम बड़े हो गए नहीं ना, समझ गया? तो मालिक है तो मालिक में नहीं भी लगाओगे तो के चलेगा, ठीक है? अगर तुहार मालिक रहेगा तब के लगा देना, ठीक। दा मतलब कार मतलब कार, इस मतलब कार मतलब गाड़ी भी लिख सकता, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? बिल्कुल बहुत बढ़िया। देर मतलब वहाँ, क्या हो जाएगा? कार का मालिक वहाँ है। हाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया। मालिक का गाड़ी मारेंगे झापर के घुमाई देंगे। इधर कार नहीं रहे तो कार का ना मालिक का, मालिक का कार हो जाएगा। है तो और नाम है मनीष कुमार, कुमार मनीष कर देंगे, ठीक रहेगा? कुमारी मनीष। चलिए ध्यान हो गया, उतार लिया सब? ये उतार लिया था ऊपर वाला ना? तो ना उतारा था तो अभी फाड़ते, रुको तो कुछ उतार भी नहीं करता है। चलिए ये बन गया रे। हाँ हाँ तब छुट्टी होगा, तब पेट दुखा चाहे मुंह दुखाए, अब तो घर ही जाएगी तू लोग। रात लगता मुर्गा खाई थी कि रे? हाँ तब मुर्गी, तब कुत्ता? ए अगर माँ, यहाँ ध्यान दो। ये क्या था रे? नोटबुक था ना, अच्छी बात है। चलिए बनवल ले चलकर।
हाँ इसको घर से बना करके आना। घर से बना चले लिखते जाइएगा, बनाने के लिए घर से दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या हुआ? गोट, जी ओ ए टी, गोट मतलब बकरी नहीं होता है, होता है ना बकरी, तो यार बकरी चराने जाती है फिर भी तुमको नहीं पता है, क्यों जाती है चराने के लिए? ऊपर वाला मिटा दे, ये सब तो उतारनी है ना है। क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 2 8 आठ एक नौ क्या 10 में क्या रसगुल्ला है 10 में सिंपल सिंपल सेंटेंस है, 9 को इसको बना के लाना है, समझ गया? जैसे एक क्वेश्चन बता दे क्या इसमें से बन जाएगा सब। चलो ठीक है।